नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि अयोध्या से है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दूसरा दिन है। 18 जनवरी को गर्भगृह में की जाएगी मूर्ति स्थापना, तो आज रामलला की मूर्ति का परिसर प्रवेश कराया जाएगा। 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास, गंधाधिवास और 19 को औषाधिवास, केसाराधिवास और घृताधिवास, धान्याधिवास और 20 जनवरी को शर्काधिवास और फलाधिवास, पुष्पाधिवास पूजन होगा। 21 जनवरी को मध्याधिवास, सैयाधिवास पूजन होगा। तो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर शुरू होगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि 21 जनवरी तक की जाएगी। तो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन इससे पहले 18 जनवरी यहां पर मूर्ति रखी जाएगी श्री रामलला की। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दूसरा दिन, और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ घनश्याम निशांत चौरसिया हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? 22 तारीख को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, कल 16 तारीख था, 7 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया है। कल प्रायश्चित अनुष्ठान के साथ शुरू हुआ, कर्मकुटी हुआ। लगभग प्रायश्चित अनुष्ठान करने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, और कर्मकुटी में भगवान विष्णु की पूजा होती है, और ऐसे में वो भी लगभग 2 से 2.25 घंटे लगते हैं। 9:30 बजे सुबह से ये कल अनुष्ठान शुरू हुआ पहले दिन का, और तकरीबन 5-5.5 घंटे तक अनुष्ठान चला। आज 1:20 से अनुष्ठान शुरू होगा, और उसके पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। उसके पहले जितनी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जितने भी कर्मकांड होते हैं, जिसमें जितने भी धार्मिक कर्मकांड होते हैं, वो सारी चीजें की जा रही हैं। आज 1:20 पे ये कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगा अनुष्ठान का। और अगर आज बात करें तो सुवासिनी पूजन होता है, सुवासिनी पूजन और वर्धी मणि पूजन, आज ये 2 पूजन होगा, और इसके बाद रामलला की जो मूर्ति है, जो वो उनको परिसर में प्रवेश कराया जाएगा पहली बार। उसके पहले जो 70 एकड़ का रामलला का परिसर है, राम जन्मभूमि का परिसर है, उसमें उनकी यात्रा निकाली जाएगी। उनको 70 एकड़ में उनकी यात्रा निकाली जाएगी। सबसे पहली बात है कि ये यात्रा पहले पूरे अयोध्या नगर में घुमाने को लेकर के थी, यात्रा करने की थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के बीच जब सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले जब वो अयोध्या गए थे, तो सुरक्षा बैठक जब ले रहे थे, तो जिस तरीके से वहां पे लगातार भीड़ बढ़ रही है, 21 और 22 तारीख तक 2 दिन जो है अयोध्या में आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए, कोई भी हो वहां पे प्रवेश वर्जित होगा, सुरक्षा कारणों से के दृष्टिगत भी, और वहां पे जो अनुष्ठान हो रहा है उसके दृष्टिगत भी। ऐसे में जो राम भक्त हैं, जो लोग राम के चाहने वाले लोग हैं, जिन लोगों को काफी लंबे से इंतजार था और वो सीधे तौर पर भगवान राम से जुड़े हुए थे, वो लगातार वहां पे दौरा कर रहे हैं, वहां पे दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे हैं, और जो भीड़ 5,000-10,000 की होती थी वो लाखों में पहुंच चुकी है। और इसको देखते हुए जो भगवान राम लला का जो मूर्ति था, जो यात्रा रथ यात्रा निकलनी थी, अब वो रथ यात्रा पूरे नगर में ना निकल करके जो 70 एकड़ में जो राम मंदिर बन रहा है उसके परिसर में ही घुमाया जाएगा आज। यानी सबसे ये महत्वपूर्ण दिन है, आज पहली बार परिसर के अंदर भगवान रामलला की मूर्ति, जो योगी राज के द्वारा, कर्नाटक के योगी राज के द्वारा बनाया गया है, उसको जो है परिसर में प्रवेश कराया जाएगा। उसके बाद अनुष्ठान चलेगा। अनुष्ठान के बाद कल जो है पहली बार गर्भगृह में भगवान रामलला को विराजमान किया जाएगा, यानी वहां पे गर्भगृह लेकर के जाया जाएगा। ये अनुष्ठान 7 दिवसीय चलेगा, कल से शुरू हुआ है, और बताया जा रहा है कि 21 तारीख तक लगभग सारे अनुष्ठान पूरा कर लिए जाएंगे। 22 तारीख को 12:20 पे जो शुभ मुहूर्त है, उस वक्त जो है यजमान के उपस्थिति में अंतिम चरण का, अंतिम भाग का पूजन अनुष्ठान होगा और प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। यानी आज बेहद महत्वपूर्ण है, कल
कल शुरुआत थी, प्रायश्चित पूजन करना था अनुष्ठान के तौर पे। जिस वक्त ये कहा जाता है कि जिस तरीके से स्वराज एक्सप्रेस से खास तौर पे बातचीत करते हुए उनके एक मुख्य पुजारी से जब बात हुआ तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी अनुष्ठान को करने के लिए सबसे पहले प्रायश्चित पूजा होती है। हम लोग जाने अनजाने में तमाम गलतियां करते हैं, तमाम गलती कर बैठते हैं, पता नहीं होता है। ऐसे में हम लोग प्रायश्चित पूजा करते हैं ताकि तृप्त हो जाए, हम लोग अपने मन को साफ कर ले और हम भगवान के सामने अपने आप को अर्पित करते हुए ये कह दे कि हमने प्रायश्चित कर लिया, हमें माफ कर दीजिए, अब अपने सेवा में मुझे रख लीजिए। तो ये प्रायश्चित पूजा के बाद कर्मकुटी पूजा हुई जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उसके अलावा सरयू तट पे गौदान किया गया और गौदान के अलावा विष्णु पूजा के अलावा जो है कल तकरीबन 5.5 घंटे से ज्यादा का अनुष्ठान किया गया। अब आज 1:20 पे 2 अनुष्ठान करने हैं, फिर उसके रामलला के जो प्रतिमा है उसको यात्रा निकाली जानी है। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सांसद अभिनेत्री है जो उनका एक बड़ा कार्यक्रम होगा 50 कलाकारों के साथ जो रामायण प्रांगण है जहां पे वहां पे हो रहा है, वहां पे माँ दुर्गा पे आधारित एक कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे और अपना परफॉर्मेंस करेंगे, उनका परफॉर्म होगा। लगातार अयोध्या में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अयोध्या के इतर पूरे देश विदेश प्रदेश में कई देशों में जो विश्व हिंदू परिषद है, जो अन्य देशों में हिंदू सनातनी रहते हैं वहां पर भी तमाम कार्यक्रम होते हैं, भंडारे किए जा रहे हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू की जा चुकी है, कीर्तन हवन पूजन शुरू किया जा चुका है, पूरे देश भर में प्रदेश भर में लगातार कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। अयोध्या में खास है, अयोध्या को लेकर के जो ट्रस्ट ने कहा कर्मकांड हो रहे हैं, सारी चीजें जो हो रही है उसका वीडियो बनाइए, आप शेयर करिए ताकि जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो लोग अभी अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं, कम से कम उनको पता चले कि ये अनुष्ठान कैसे हो रहा है, ये कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कल बीएचयू का जो पुरातत्व और इतिहास विभाग जो प्रोफेसर है उन्होंने कहा कि 400 सालों की जो मूर्ति है प्रवेश करेगी परिसर में और उसको लेकर यात्रा भी निकाली जाएगी। तो किस तरह से यात्रा निकलेगी, किस तरह से सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो वहां पर किए जाएंगे, किस तरह की तैयारियां परिसर में की गई है ये भी बताइएगा। और इसके साथ ये भी बताइएगा, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी श्री रामलला की, तो मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन अब यहां पर जिस तरीके से बात निकल कर आ रही है, कहा जा रहा है कि समिति के सदस्य ही मुख्य यजमान होंगे। देखिए प्रियंका जी, किसी भी अनुष्ठान करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए गृहस्थ होना बड़ा जरूरी है। ये सनातन धर्म में है जो गृहस्थ होता है यानी जो शादीशुदा होता है वही यजमान बन सकता है, ऐसा सनातन धर्म में लिखा गया है। कोई भी इसमें किसी भी पूजन में इस तरीके की जहां पे धार्मिक अनुष्ठान होता है बिना गृहस्थ के यजमान नहीं बना जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी अपने पत्नी के साथ नहीं दिखाई देते हैं, किसी भी काम में नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे में वो प्रतिमात्मक जो है यजमान होंगे। बताया जा रहा है कि जो अनिल कुमार मिश्रा हैं, जो मुख्य ट्रस्टी हैं, उनको उनकी पत्नी को मुख्य यजमान बनाया जा सकता है। इस बाबत जो है अनिल कुमार मिश्रा जी जो मुख्य ट्रस्टी हैं, उन्होंने कहा कि अभी आधिकारिक तौर पे हमें इसकी जानकारी नहीं दी गई है बकायदा, लेकिन उसके इतर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर इस तरीके की ट्रस्ट हमको जिम्मेदारी देता है तो हम मुख्य यजमान के तौर पर वहां पर उपस्थित रहेंगे और हम पूजा पाठ कराएंगे। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, आरएसएस मोहन भागवत जी होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगे, मुख्य जो पुजारी हैं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी, ये 5 लोग वहां पे उपस्थित होंगे। और अगर देखा जाए अब जो परिस्थितियां बदली हैं जिस तरीके से, और चंपत राय ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 15 तारीख को, जब अनुष्ठान शुरू होने के एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने मीडिया से अपील की थी कि ये साफ तौर पे जनता को बताएं और खबरें चलाएं कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराएंगे, उनकी गरिमामय उपस्थिति वहां पे रहेगी, ना कि वो प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। तो ये बड़ी बारीकी से समझने वाली बात है कि सोशल मीडिया और हर जगह लोग फैला दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जबकि जो
ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय ने कहा कि उनकी गरिमामयी उपस्थिति रहेगी, वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराएंगे। इस शब्दों ये जो शब्दों का हेर फेर है या फिर जो शब्दों की अबूझ पहेलियां हैं उनको जानने की जरूरत है। और यही कारण है कि जो सोशल मीडिया पे जो लोग राम मंदिर से कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक कारण बता रहे हैं और इनसे जो इत्तेफाक बहुत ज्यादा नहीं रख रहे हैं, वो इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर के सोशल मीडिया पे एक एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, योगी जी किस हैसियत से वहां पे रहेंगे, राज्यपाल किस हैसियत से वहां पे रहेंगे। तो इसको लेकर के ट्रस्ट को पता है कि किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। उसके पहले जो है चंपत राय ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये जो लोग होंगे वो लोग इन लोगों की गरिमामयी उपस्थिति होंगे, ये अपना अभिव्यक्ति उस दिन जो भाषण है वो भाषण नहीं होगा, वो अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करेंगे। ये सब सारी छोटी छोटी बातें हैं जो समझने वाली बातें हैं कि क्या वहां पे होना है, किस तरीके से होगा। अब इसका भारतीय जनता पार्टी लाभ लेगी, आरएसएस लाभ लेगा, वहां के जो लोग पहुंच रहे हैं वो लोग लाभ लेंगे, या फिर कर्नाटक जैसे राज्य जो कांग्रेस शासित राज्य है अभी हाल ही में चुनाव जीते हैं उनके जो डिप्टी सीएम, हम देखें यहाँ पर तो चुनाव से जोड़ना सही नहीं होगा कि हर चीज को हम सियासत से जोड़े। हालांकि फिलहाल देखें तो एक हिंदुत्व के लिए बड़ा ऐतिहासिक पल है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।